असलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीकली गॉसिप की वीडियो में जो पिछले कुछ 3-4 हफ्तों में हुआ है तो उस पर हम बात करेंगे। वैसे ये वीकली गॉसिप तो नहीं है, ये कुछ तकरीबन मंथली गॉसिप है, क्योंकि तकरीबन 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद मैं बना रहा हूँ। टाइम नहीं मिलता यार, बीकॉम बंदा कर रहा है, वो इतना काम है, स्ट्रेस। तो इस वीकली गॉसिप में हम आपको बताएंगे जो स्वीडन में हुआ, इस पर तफसीली बात करेंगे हम। और शादियां हो रही हैं हर जगह यार, हर खिलाड़ी जो है वो शादी कर रहा है, और इसके साथ साथ जितनी शादियां हो रही हैं उसी की रफ्तार से महंगाई भी हो रही है, और इस तरह की बहुत सी खबरें हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यार ये जो डॉलर है यार, ये डॉलर 270 का चला गया यार। उन लोगों को पकड़ो जो कहते थे कि जी मियां साहब जिंदाबाद, जी शेर आएगा, शेर धाड़ेगा, ये इमरान खान को कुछ नहीं आता, ये है वो है, 150 का डॉलर कर दिया। भाई अब 300 का डॉलर हो गया है, और ओपन मार्केट में 300 का भी नहीं मिल रहा, 272 का डॉलर इस टाइम चल रहा है। और ओपन मार्केट में ये सूरत हाल है कि 300 का भी बहुत मुश्किलों से मिल रहा है। एक्चुअल कीमत 310 से 320 रुपए की है। इमरान खान के दौर में भी अगर इमरान खान रहता तो डॉलर ने 200 को क्रॉस करना था, जो बाहर की हालात है, लेकिन इतनी तेजी से नहीं होना था। वो एक दो कर करके वो पहुंच जाना था उसने, लेकिन वो इफेक्ट हमें इतना नहीं होना था, ठीक है। अब हमें क्यों इतना इफेक्ट हो रहा है, पहले भी महंगाई थी, उस टाइम इतना इफेक्ट नहीं हो रहा था, अब ज्यादा हो रहा है। उसकी रीजन है कि खान साहब ने महंगाई को कंट्रोल किया हुआ था, 1 रुपया 2 रुपए आधा पैसा पौना पैसा इतना करके महंगाई बढ़ रही थी, तो वो हमें इतना फील नहीं होता था। जी लोग कहते थे महंगाई हो रही है, लेकिन वो उतना फील नहीं होता था। अब 25 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए इस रफ्तार से ये महंगाई हो रही है, और अभी डॉलर जो है वो तकरीबन 20 रुपए एक दिन में बढ़ा है। तो इतनी रफ्तार से महंगाई बढ़ रही है, और इन्फ्लेशन जो वो 40+ चली गई है, महंगाई है, मुल्क नीचे जा रहा है, खुशहाली कहीं है नहीं, मुल्क बेरा गर्क हो गया, अन्नी मचा दी इन्होंने मुल्क की। और एक और मैं चीज बताऊं, शहबाज शरीफ को इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौम मर रही है नहीं मरी, उसने अपने चोरी के जो केसेस उसके ऊपर हुए हुए हैं उसने वो बचा लिया। मुझे बताएं इसको क्या लोड पड़ी हुई थी कि ये इसने अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा है, इसको क्यों इतना कीड़ा हुआ था। इसकी रीजन ये है कि देखिए, इमरान खान को गालियां पड़ रही थी, कितना अच्छा होता है इलेक्शन कराता है इमरान खान शायद हार जाता, लेकिन इसने जल्दबाजी की, और जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। तो जिस दिन इन्होंने जेल में होना था उस दिन ये वज़ीर आज़म साहब बन गए, वो आपको पता है कि क्या हुआ, उसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। हम क्या कहते हैं जी मरियम नवाज साहिबा आ गई हैं, जी मरियम नवाज साहिबा कहते हैं कि मियां साहब को बहुत तकलीफ हो रही है लंदन में बैठे हुए, उनके दिल में मसला ये है वो है। आपने वीडियो देखी है ट्विटर पे, मैंने ट्वीट भी की थी कि ये वीडियो कि उसमें क्या होता है कि मियां साहब KFC खा रहे हैं लंदन में बैठ के, बर्गर पिज्जा। भाई जो दिल का मरीज होता है वो तो बोतलें पी ही नहीं सकता, और जो लोग आज भी मियां साहब के सपोर्टर्स हैं ना, ये सुन लो आज, अगर आपको लग रहा है ना कि मियां साहब पाकिस्तान आएंगे, भाई ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। मियां साहब वापस नहीं आएंगे जब तक उनको ये पता ना चल जाए कि या तो इमरान खान इलेक्शन में हारने लगे या इमरान खान मर जाएगा। तो भाई मुल्क का बेरा गरक हो चुका है, महंगाई का कोई हाल नहीं है, बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। मैं आपको सीरियसली बात बताऊं, आपको पता है इंडिया का डिफेंस बजट कितना है, 73 अरब डॉलर्स, और आपका कितना है, 12-13 अरब, और ये भी हमें पता है कि 12-13 अरब जो है ये पता नहीं कहां से आते हैं, ये आपको पता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि आपके जो रिजर्व्स हैं वो 2.5 अरब डॉलर्स तक आ चुके हैं। अब बहुत से लोगों को ना ये आ रही होगी कि यार नोट छाप ले, भाई अगर नोट छापना शुरू हो गई ना हमारी ये हुकूमत तो महंगाई का ऐसा तूफान आएगा कि ब्रेड 1000 रुपए में भी नहीं मिलनी। आपके पास जो फॉरेन रेमिटेंसेस होते हैं उसके बैक में गोल्ड पड़ा होता है, गोल्ड, अब वो गोल्ड की ईंटें हो गई हैं या गोल्ड के सिक्के हो गए हैं, वो अगर ये जब तक जितना डॉलर आपके पास है जब तक इतने मालियत का आपके पास सोना नहीं होगा, कोलैप्स है आपकी गवर्नमेंट। अब देखिए पास के पास 2.5 अरब डॉलर का सिर्फ रिजर्व रह गया, और ये याद रखिएगा जिस दिन आपके रिजर्व्स खत्म हो गए बस गेम खत्म। श्रीलंका का जो हाल था तो वो चलो बच गया, श्रीलंका काफी अच्छे हालत में आ गया। भाई आप बिलीव नहीं कर सकते, हमारी आबादी 25 करोड़ है, उनके आबादी 2.5 करोड़ है, 10 गुना ज्यादा हमारी आबादी है। 18 अरब डॉलर था पाकिस्तान का रेमिटेंसेस, यानी कि फॉरेन रिजर्व 18 अरब डॉलर थे जब इमरान खान का था, अब 2.5 अरब डॉलर है। सवाल ये होता है ये 15.5 अरब डॉलर्स गए कहाँ, हमें तो कहीं स्कूल नहीं दिख रहे, हमें कहीं दिख रहा है कि कुछ भी ये हुकूमत नहीं कर रही। तो मजे की बात है ये सारा जा रहा है इनके करप्शन में, ये जो लंदन में महलात ये जो भी है ये करप्शन से बन रहे हैं। भाई मुल्क का बेरा गरक है, महंगाई का हाल कोई नहीं है, मुल्क का कोई हाल नहीं है, खुशहाली कहीं है नहीं, पॉवर्टी इन्फ्लेशन जो कहना को, और मैं आपको मजे की बात बताऊँ पाकिस्तान का एंड आबाद, अब पासन अपने एंड में खड़ा है, और क्या इससे बुरा क्या हो सकता है, इससे बुरा अब यही हो सकता है कि भाई पासन कलैप्स कर जाए। जो पासन लगभग कलैप्स कर गया, वो जो इमरान खान सब्सिडी दिया करता था, सब्सिडी कहाँ गई, हमें इस वक्त सब्सिडी चाहिए, सब्सिडाइज करो चीजें, पैसे ही नहीं है, कहाँ गया पैसा, चोरी करके ले गए। इस वक्त पाकिस्तान को सब्सिडी की जरूरत है। और आखिर में ये बात करता चलूं, ये वो मुल्क था
कि जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही थी ये मुल्क बच गया, और आज ये मुल्क है कि दुनिया अमीर हो गई है वापस, हम वापस गरीब हो गए, अब कोरोना भी नहीं रहा। और भाई शादियों का सीजन है, हर बंदा शादियों करने में लगा हुआ है, ये दिसंबर से लेकर मार्च तक शादियां हो रही, इधर शादियां उधर शादियां इधर शादियां। तो हमारे खिलाड़ी कैसे रहते हैं यार, पहले शान मसूद साहब का निकाह हुआ, फिर शादाब खान साहब का निकाह हुआ, और अब आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 3 फरवरी है, तो आज के दिन बरोज जुम्मा तो शाहीन शाह अफरीदी ने भी अपना निकाह कर लिया है, मुबारक हो आप सब लोगों को। एक और खिलाड़ी जो है वो निकाह कर बैठे हैं, और शादाब खान साहब का भी निकाह हो गया 9-10 फरवरी को, उनकी बरात और वलीमा है रुसे थी। और भाई अब हर बंदा शादियां कर रहा है, बस एक मैं अकेला कुंवारा बैठा हूँ, और कुछ यहाँ पे जो कुंवारे छरे छाड़ लड़कियाँ बस वही कुंवारे बैठे, और एक हमारा एक और कुंवारा लड़का है हमारा बॉबी किंग बाबर आजम, वही बंदा रह गया जिसकी शादी नहीं हुई, बाकी हर बंदे की शादी हो गई। तो सबको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, जिस जिस खिलाड़ी ने शादी की है आप सबको मुबारक हो, अल्लाह आप किस निकाह को मुबारक करे, आपको खुशियां दे, और ढेर सारे आपको बच्चे अता करे, दोबारा खोलो बच्चे बच्चे हो। और अब आखिर में ये बात थोड़ी सी लंबी है तो मैं डिटेल में इसको बात करना चाहता हूँ, वो है जो स्वीडन में हादसा हुआ, कुरान को जलाया जाता है, ये स्कैंडिनेवियन स्टेट्स जो वैसे कहना नहीं चाहिए ये, अगर आप इन रियासतों में अदल और इंसाफ देखेंगे ना बहुत अच्छा है, फंडामेंटल राइट्स और रूल ऑफ लॉ में 4 ममालिक जो है ना, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड, ये 4 ममालिक टॉप पे 4 हैं। शर्म आनी चाहिए हमें, हम मुसलमानों को, कि ये रूल ऑफ लॉ, ये कानून, ये मसावाद, ये तो मुसलमानों की मीरास थी, ये तो हमारी मीरास थी जो ये उठा के ले गए हैं। आज मुसलमान जिन्हों हजरत उमर फारूक के दौर में ये हाल था कि बैतुल माल में जो समझ बैंक था उस दौर का बैतुल माल, वहां पे डेली झाड़ू लगता था और पानी से सफाइयां होती थी, क्योंकि जो बैतुल माल में पैसा होता था हजरत उमर फारूक सारा बांट बूट दे दिया करते थे लोगों को। और ये हालत होती थी कि एक बंदा खड़ा होता था, वो कहता था कि यार कोई शख्स है कि जिसने ज़कात लेनी है, मेरे पास ज़कात पड़ी है, कोई नहीं लेता था। ये था हजरत उमर फारूक का दौर। तो भाई ये तो हमारी मीरास थी, दुनिया में तो रूल हमने करना था, ये तो ये कर रहे हैं, फिर ये कुरान को जलाते हैं, ये कुरान को जलाते रहेंगे जब तक हम कोई बड़ा एक्शन नहीं लेंगे। पाकिस्तान तो कभी मर के एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि आपका जो ऊपर प्राइम मिनिस्टर बैठा है वो निहायत बुजदिल यार, जिसको अमेरिका लेके आया होगा वो कैसे बोलेगा वेस्ट के सामने। तो पाकिस्तान से तो उम्मीद आप छोड़ दें कि पाकिस्तान कभी रिटेलिएट करेगा, मर मर आके तुर्की इंडोनेशिया रिटेलिएट कर सकते हैं, या थोड़े बहुत अरब ममालिक रिटेलिएट कर लेंगे, लेकिन वो रिटेलिएट लफाजी रिटेलिएट है, उनसे उनको घंटा फर्क पड़ता है, घंटा फर्क पड़ेगा उनसे उनको। उनको पता है कि यार हम कुरान को जला देंगे क्या होगा, ये चीखेंगे स्वीडन मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे पाकिस्तान के अंदर, तो उनको पता है यार कुछ नहीं कर सकते, ये तो हमारे मरूने मिन्नत है, इनको पैसा हम देते हैं, इनकी प्रोडक्ट्स तो हम यूज़ करते हैं, जब तक इनके प्रोडक्ट्स हमारे, अभी रमजान आने लगे 2 महीने के बाद, जब ये स्वीडन, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, जब इनकी प्रोडक्ट्स हमारे दस्तरखान पे ना हो तो अफ्तारी नहीं होती हमारी, इनको तो पता है कि इनकी तो अफ्तारी हम कराते हैं, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम ट्विटर पर गालियां निकाल रहे हो, इसराइल को गालियां निकाल रहे हो, उसको गालियां निकाल रहे हो, दे गिव द शिट अबाउट इट, ये तो होता रहेगा। और हम ऐसे हुगर मुसलमान है कि हम होने भी देते हैं, हमारे दिलों में अब वो जो तकलीफ का जो मादा है ना कि यार वाकई तकलीफ हो रही है, वो भी खत्म हो गया, हमारे दिल ऐसे पत्थर के हो गए हैं कि वो जो कुरान को जब जलाया जाता है, उसकी बेहरमती की जाती है, वो जो दर्द होता है ना वो खत्म हो गया। ये जो लोग ना बलफाजी कहते हैं, इनसे कभी पूछो आखिरी दफा कुरान का पढ़ा था, क्योंकि रमजान में ही पढ़ा था हमने, और रमजान में भी हम कुरान कैसे पढ़ते हैं, पढ़ रहे होते हैं, रट्टा लगा रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, रेस लगा रहे होते हैं, रमजान आएगा ना देखिएगा लोग रेस लगाएंगे, सवा सवा दो दो सपारे पढ़ेंगे, फिर रमजान में कुरान पाक खत्म कर लें बस जैसे तैसे करके। अच्छी बात है कि रेस लगानी चाहिए, मतलब अच्छी बात है कि आप कुरान पाक पढ़ें, लेकिन आपको जब समझ ही नहीं आ रही कि कुरान पाक में क्या लिखा है, क्या फायदा उस चीज का। हमें अरबी आती है, बहुत आ गई है हमें अरबी मास्टर बैठे हैं, हम सबने पीएचडी की हुई अरबी में, और भाई हमें अरबी नहीं आती तो हम अरबी में कुरान कैसे पढ़ सकते हैं। हमें तो चाहिए कि तर्जुमा तफसील से कुरान पाक पढ़ना चाहिए। आप जब कुरान मजीद को तर्जुमा तफसील से बामा तफसील से पढ़ेंगे ना, चले तफसील बहुत दूर की बात है, सिर्फ तर्जुमे वाला कुरान पाक पकड़ लेना और आयत का तर्जुमा एक अरबी की आयत पढ़े, उसके नीचे फिर आप तर्जुमा पढ़ ले, कुरान पाक पढ़ेंगे जब आपको हफ्ता 10 दिन हो जाएगा, आपका जहन खुल जाएगा, आप डरना शुरू हो जाएंगे, आप कहेंगे यार हम तो इतने गुमराही में हैं, हमारे ये मौलवी जो है ये क्या कहते हैं जी, हमें बड़ी दुख हो रही है, स्वीडन मुर्दाबाद काफिर है, ठीक है वो काफिर है, लेकिन अभी एक्ट लेना चाहिए, क्या लेंगे हम, आपकी इकॉनमी इस हालत में है क्या आप एक्शन ले सकेंगे इनके खिलाफ, ये अल्लाह का अजाब है, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये आज जो भी हो रहा है, अभी इस्लामाबाद में जलजिला आया, बाज कहते हैं 4.4 है, बाज कहते हैं 6.2 है, तो ये जो इस्लामाबाद में जलजिला आया, इतने लोग मरे हैं, फिर ये अभी पिशावर में हादसा हुआ, पिशावर अटैक हुआ है, क्या हुआ है, इतने हमारे नमाजी शहीद कर दिए, इधर नहीं इनको दिखता फ्रीडम ऑफ स्पीच, कोई मुसलमान मस्जिद में धमाका नहीं कर सकता, भी इतने भी पत्थर दिल हम नहीं हुए, ठीक है नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन मस्जिद में जाके गंदा से गंदा मुसलमान भी होगा ना, वो मस्जिद में जाके एहतराम से बैठेगा। आज हम क्यों जलील है, हमने कुरान पाक छोड़ दिया, अल्लामा इकबाल का एक शेर था, वो जमाने में मौजूद थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरान होकर, तुमने कुरान को तार किया, आज तुम देखो जलील है, दुनिया में हमारी कहीं बात ही नहीं मानी जाती, ये बाइबल को क्यों नहीं करते, ये तोड़ा
यहूदियों की जो किताब है, यहूद की तोड़ा चार किताबें जो है उन पे क्यों नहीं करते? सिखों की जो किताब है, हिंदुओं की जो किताब है, मॉन्क्स की जो किताब है, जो जैनिज्म के मानने वाले उनके जो रिलीजियस बुक है उनको क्यों नहीं करते? ये सब मुसलमानों को टारगेट क्यों करते हैं? उनको पता है कि ये कुछ नहीं कर सकते। आपकी आबादी बढ़ रही है, 2 अरब मुसलमान होने को आ गए हैं, 1.9 बिलियन मुस्लिम है इस वक्त, और जो ईसाई है वो 2.1 है। बहुत अब कम फासला रह गया और कह रहे हैं कि इस दहाई के बाद मुसलमान जो है वो ओवरटेक कर जाएंगे पॉपुलेशन में। तो पॉपुलेशन हमारी इतनी ज्यादा है, 2 अरब के करीब है, लेकिन इतना नहीं कर सकते कि इतनी ताकत हम नहीं रखते कि कोई पाकिस्तान कोई मुस्लिम स्टेट वीटो पावर रख सके। देखिए अभी तक एटॉमिक पावर सिर्फ एक मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान है, टॉप 10 मिलिट्रीज में सिर्फ एक पाकिस्तान है, टॉप 10 मिलिट्रीज में 7वें नंबर पे पाकिस्तान है, जो अगर आप कहें GDP 1 ट्रिलियन से ऊपर की जो GDP है उसमें सिर्फ एक इंडोनेशिया है मुसलमान। तो एक एक मुसलमान मुल्क आगे आ रहे हैं यार, तो हमें बहस पूरी कौम आगे आना चाहिए। ये तब आएंगे जब हम कुरान मजीद को सीने से लगाएंगे। इस्लाम में पापाइत का कोई तसव्वुर नहीं है, कोई ये रिलीजियस जो है ना ये कोई वो नहीं है प्रोफेशन, ये कौम दूसरों के हकूक के लिए निकल जाएगी। जी इसराइल को हकूक दो, उसको हकूक दो, उसको सॉरी फलस्तीन को हकूक दो, उसको हकूक दो, उसको हकूक दो, कश्मीर को हक दो। अब पाकिस्तान को कौन हक देगा? सबसे पहले आपने अपने आप को हक देना है, बाकी हक बाद में दे आप, पहले अपना हक तो मांग लो, आई निकलो और हक मांगो भाई हमें हमारा हक तो दो कम अज कम। तो ये थी हमारी मेरी वीकली को से, आई होप कि आपको पसंद आई हो। और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि Q&A मैं करना चाहता हूँ, तो अगली वीडियो इंशाल्लाह Q&A की होगी। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के नीचे आप अपने सवालात लिखें, जो भी सवाल है आप उसको लिखें मेरे बारे में, अब्दुल्ला के बारे में। तो अगली वीडियो इंशाल्लाह Q&A की होगी, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें अपने सवालात को, मैं उसको अगली वीडियो में उसके आंसर दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं तो आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। वो हाथ काटे फिर भी हम खिला रहे, दूध आस्तीन के सांप को पिला रहे। Who the fuck told you I was offended? मैं तो चिल और ये बीट्स पे चिल्ला रहे। Fucking visionary बेटा मुझे visions आ रहे। मेरी कोशिश है कि कोई भी लड़का पीछे ना रहे। You a pussy तेरे ख्वाबों में चीचड़।